गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पार्ट 8 कारक पढ़ेंगे। कारक है क्या? तो संज्ञा या सर्वनाम, ये संज्ञा और सर्वनाम को आप सभी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं और इसे समझते भी हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप उनका क्रिया के साथ संबंध बताते हैं कारक कहलाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, माँ ने रजनी से चाय बनाने को कहा। रजनी ने चूल्हे पर पानी चढ़ाया, उसमें चाय की पत्ती, चीनी तथा दूध डाला और माँ के लिए चाय बनाई। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द ने, से, को, पर, में, की तथा के लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द से क्रिया का संबंध जोड़ रहे हैं। इन्हें कारकों में कारकों के विभक्ति चिन्ह अथवा प्रसंग कहते हैं। तो विभक्ति चिन्ह या प्रसंग इन्हें कहा जाता है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ ठीक तरह समझ में आ जाता है। तो कारक से वाक्य स्पष्ट होते हैं और पढ़ने में भी सहायक होती है। यहाँ परिभाषा दिया गया है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इसका यहाँ विभक्ति भी दिया गया है अर्थात चिन्ह भी दिया गया है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान कारक से अलग अथवा पृथक होना, मतलब अलग होना, पृथक का मतलब भी यहाँ पर है अलग होना, संबंध कारक का के की रा रे री, अधिकरण कारक में पर और संबोधन कारक हे अरे। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कर्ता कारक। कर्ता का चिन्ह है ने। शब्द का वह रूप जिससे क्रिया के करने वाले का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे माली ने पौधा लगाया। यहाँ प्रसंग सहित मतलब यहाँ विभक्ति चिन्ह के साथ ये बोला गया है। अगर हम बोलेंगे कि माली पौधा लगाता है, माली पौधा लगाता है, तो ये मतलब आपको समझ में आ रही है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। मतलब रहित मतलब यहाँ पर विभक्ति चिन्ह नहीं है। अब है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। मतलब कर्ता का प्रभाव किस पे पड़ा? बच्चे पे। इस वाक्य में बच्चे कर्म के साथ को प्रसंग है, पर दूध कर्म के साथ प्रसंग नहीं है। तो दूध को तो नहीं है, यहाँ पर क्या है? बच्चे को। तो दूध मुख्य कर्म हो जाता है यहाँ पर, मुख्य कर्म, और उसका सहायक जो होता है वो बच्चा, गौण कर्म, जो गौण मतलब होता है छुपा हुआ, लुप्त, या फिर उसको गौण मतलब आप उसको छोटा भी बोल सकते हैं, ये लुप्त भी बोल सकते हैं या फिर छोटा। तो हम लोग ये सबसे पहले कारक की परिभाषा देखें और कारक कितने हैं? 8 हैं, उसका चिन्ह और
ये दो उसके भेद को हम लोग जाने। अब आप लोग इसे कारक और विभक्ति चिन्ह जो है उसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।